हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आज हमारे पास ये एक मेम्ब्रेन है और मैं इसके मेम्ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा इसको खोल करके कि मेम्ब्रेन कैसे बनता है और इसके स्पेयर पार्ट का जो अंदर ये पार्ट लगे हैं मेम्ब्रेन कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं बराबर। ये सिंपल सा एक टैप होता है जिसकी सहायता से ये चिपका होता है और इसको ब्राइन सील बोला जाता है। ये जो निकाल रहा हूँ ये ब्राइन सील है। ये काम क्या होता है इसका मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है ताकि पानी इधर से फोर्स करे तो पानी यहाँ से इसके ऊपर से ना निकल जाए, इधर से होते हुए इधर निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको पानी को उधर ना जाने दे। इसका नाम ही है ब्राइन सील, यानी कि सील करके पानी को उधर ना जाने दे, पानी इधर से ही इंटर करे, इधर से ऊपर से ना चला जाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। इसको मैं निकाल देता हूँ। अब इसको मैं खोल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेम्ब्रेन निकल आया है। ये वैसे तो सब मेम्ब्रेन ही है लेकिन सबका अलग अलग पार्ट है, पूरी को मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते इसको हम। ये यहाँ से, ये जो यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ से ये इतना, ये सिर्फ टेप है इसको मजबूती देने के लिए, मेम्ब्रेन को ये टेप लगाया गया है। और इसमें तो मेम्ब्रेन है, सबसे पहले मैं मेम्ब्रेन की बात कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये तीन पार्ट में है। ये एक जाली लगी हुई है, इसको बोला जाता है फीड चैनल स्पेसर। क्या नाम है इसका? फीड चैनल स्पेसर इसका नाम है। इसका काम क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये देखिए, दो फीड चैनल स्पेसर लगे हुए हैं, इसको पहले खोल के आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, दो लेयर में बनाया गया है, एक ये है और एक ये है। तो दो लेयर है इसकी, दो लेयर है तो इसमें दो चीजें, सारी चीजें दो करना पड़ेगा, दो इसमें जाली रखनी पड़ेंगी। और ये है हमारा मेम्ब्रेन, ये देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है, इसको मेम्ब्रेन बोला जाता है। और इसको मैं अगर फाड़ूंगा तो फाड़ देता हूँ, काफी ज्यादा मजबूत है, ये फट गया है, इसको मैं साइड कर देता हूँ देखिए, और इसको अलग कर देता हूँ। ये गोंद की सहायता से चिपकाया जाता है। तो ये जो है, ये वाला देख रहे हैं, ये हमारा मेम्ब्रेन है, ये मेन चीज है, ये मेम्ब्रेन है। ये एक झिल्ली होती है एक टाइप की, ये गंदा हो गया है, ठीक है। ये एक टाइप की झिल्ली होती है और इसके अंदर एक ये भी लगा हुई है। अभी इसका भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्या नाम है इसका, क्या काम है। पहले मैं मेम्ब्रेन आपको बता रहा हूँ, तो पहले मेम्ब्रेन के बारे में पूरा बता देता हूँ। मेम्ब्रेन है और ये तीन चीजों से मिलके बना हुआ होता है। पहला जो होता है ये पॉलीएमाइड लेयर से बना हुआ होता है, जो इस टाइप का इस पार होता है। उसके बाद ये ऐसे दिखेगा नहीं, इसका साइज जो है एक से डेढ़ एमएम होता है, माइक्रोन होता है, इसलिए इसका साइज बहुत पतला है। और इसी में तीन टाइप से, अगर आपको सिर्फ मेम्ब्रेन बनाना है, इस टाइप की झिल्ली बनाना है, तो आपको तीन टाइप की झिल्ली बनाना पड़ेगा, तीन टाइप के मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो पहला है वो है पॉलीएमाइड लेयर, ऊपर जो लगा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे लगा होता है, इसी में ये तीन लेयर से बना हुआ होता है ना, पहला पॉलीएमाइड लेयर, उसके बाद पॉलीसल्फोन लेयर होता है, और उसके बाद जो होता है लास्ट वाला वो होता है पॉलिस्टर बेस। ये तीन टाइप से मिलकर के बना हुआ होता है सिर्फ मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो ये पॉलीएमाइड लेयर है, इसका साइज अप्रोक्स 0.2 माइक्रोन होता है, जो कि फिजिकल इम्प्योरिटी को अंदर नहीं जाने देता है। और जो पॉलिस्टर बेस है, पॉलिस्टर बेस और पॉलीसल्फोन लेयर, ये दोनों आपका जो बारीक चीजें होती हैं, मान लीजिए आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, केमिकल्स हो गए, और लवण हो गए, जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, और जो बहुत
छोटी चीजें होती हैं उनको जाने से रोकता है पॉलिस्टर बेस और पॉलीसल्फोन लेयर। ये तीन हमारे काम हो गए। और अगर पॉलिस्टर बेस की बात करें, इसका साइज जो होता है 0.0001 माइक्रोन का होता है, और जो पॉलिस्टर पॉलीसल्फोन लेयर है उसका भी यही साइज होता है, और जो पॉलीमाइड लेयर होता है उसका तो मैंने बता दिया आपको 0.2 माइक्रोन होता है। और उसके बाद जो एक और इसमें होता है वो होता है ये हमारा बीच में लगा रहता है, यहां से पानी एंटर करेगा इधर से और इसमें यहां तक आएगा, ये है परमिट कलेक्शन। ये परमिट कलेक्शन करता क्या है, पानी यहां से आपका इधर से एंटर करेगा और यहां पे आएगा, और परमिट कलेक्शन से होते हुए ये हमारा परमिट ट्यूब तक यहां पे पहुंच जाएगा। इस टाइप से होते हुए ऐसे गोल गोल से घूमते हुए आएगा यहां पे और ये परमिट ट्यूब में पहुंच जाएगा, और परमिट ट्यूब से होते हुए यहां से इधर से प्योर वाटर हमारा निकलने लगता है। तो ये हमारा परमिट कलेक्शन हो गया जो बीच में एक जाली लगी रहती है, और ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया। ये परमिट इसको फोल्ड करके ऐसे डाला जाता है, एक इधर रहता है परमिट कलेक्शन के और इधर होता है परमिट कलेक्शन के, इधर से भी पानी इंटर करता है और इधर से भी पानी इंटर करता है। और उसके बाद जो एक और इसमें पार्ट होता है वो होता है ये इस टाइप की एक और जाली होती है जो इसके ऊपर लगाई जाती है। ये क्यों लगाई जाती है, क्योंकि पानी इधर से जब इंटर करेगा, पहले इसका नाम बताते हैं क्या है, इसका नाम फिट चैनल स्पेसर है। इसका काम होता है जहां से पानी इंटर करेगा, इधर से पानी वाली जो इंटर किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए डायरेक्ट इधर से इंटर किया तो इधर से ही निकला जा रहा है। ये अगर जाली लग जाती है तो जाली लग जाए किसी भी चीज में तो पानी ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा जाली से, ऐसा नहीं अगर जाली निकाल देंगे तो पानी सीधा डायरेक्ट ऐसे होके इधर निकल जाएगा, तो जल्दी गंदी हो जाएगी और इसके अंदर ज्यादा प्रेशर भी नहीं क्रिएट हो जाएगा। और जाली अगर लग जाती है यहाँ पे इसमें प्रेशर काफी ज्यादा क्रिएट होने लगता है, इससे पानी हमारा मेम्ब्रेन के अंदर पास होने लगता है। तो ये हमारा फिट चैनल स्पेसर हो गया। और इसको बनाया कैसे जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये जो हमारा परमिट कलेक्शन ट्यूब है इसको परमिट ट्यूब के साथ में लगा दिया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर से मेम्ब्रेन झिल्ली को रखा जाता है, और उसके बाद इसको फोल्ड करके नीचे से भी मेम्ब्रेन झिल्ली को रखा जाता है। नीचे और ऊपर मेम्ब्रेन झिल्ली है, और उसके ऊपर फिर आपको जितने लेयर बनाना है उसके ऊपर फिर आप वही परमिट कलेक्शन ट्यूब रखते जाइए, फिर आप मेम्ब्रेन झिल्ली रखते जाइए, फिर आप वही फिट चैनल स्पेसर रखते जाइए। ऐसे ही लेयर बाय लेयर बनाया जाता है, जितने भी बार आपको जितना बड़ा आपको मेम्ब्रेन बनाना हो इस हिसाब से बनता है। बाकी आप देख ही सकते हैं किससे कैसे बन रहा है, और आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।